हाय फ्रेंड्स, इरा कुकिंग में आज हम बनाने वाले हैं अचारी मटन। अचारी मटन बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 2 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सौंफ साबुत, और मैंने ये 1/4 चम्मच क्वार्टर स्पून मैंने लिया है मेथी, अचार की जो मेथी होती है वो ली है, और मैंने यहाँ लिया है 1/2 टीस्पून कलौंजी। यहाँ मैंने लिया है 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ये मेरा नमक है, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून मैंने यहाँ चाट मसाला लिया है, मैंने यहाँ 1/2 टीस्पून के करीब ही काली मिर्च का पाउडर है, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टीस्पून मैंने दोनों लिया है। यहाँ मैंने 100 ग्राम के करीब दही लिया है, 2 मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप्ड किया है और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। अब सबसे पहले हम कलौंजी को छोड़कर बाकी सारे मसालों को पीस लेंगे, मिक्सी में पीस लेते हैं, इसका पाउडर बना लेते हैं। तो चलिए पाउडर बना के तैयार कर लेते हैं। देखिए ये हमने पाउडर बना के तैयार कर लिया है। अब सबसे पहले हम एक कुकर में ऑयल डालेंगे। एक कुकर में मैंने यहाँ ऑयल डाल लिया है, फ्लेम को हाई कर देंगे, इसको गर्म होने देते हैं। अब हम सबसे पहले इसमें अपनी प्याज फ्राई करेंगे, हमें लाइट कलर में ही प्याज फ्राई करना है। देखिए मैंने यहाँ 4-5 ये वाला जो चमचा है ये ऑयल लिया है, मेरा ऑयल गर्म हो चुका है। इसमें हम सबसे पहले तेज़पत्ता डाल देते हैं, इसकी अरोमा बहुत अच्छी आती है। अब हम इसमें अपनी प्याज डालेंगे। ये जो रेसिपी है ये मैं 500 ग्राम मटन के लिए बना रही हूँ, या मैंने 500 ग्राम मटन लिया है उसी हिसाब से ये सारे मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। इसको भून लेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, लाइट ही रखना है। देखिए हमारी प्याज फ्राई हो चुकी है, हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करनी, लाइट ही कलर मेरा चाहिए, तो बिल्कुल परफेक्ट कलर आ चुका है इसका। अब हम इसमें सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। ये हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको भून लेंगे। अब हम इसमें अपना मटन डाल देंगे, ये हमारा मटन है, ये इसमें डाल देते हैं। देखो मटन डालने के बाद हमें इसे तब तक इसके साथ भूनना है जब तक हमारे मटन का कलर चेंज नहीं हो जाता है, तो हम 2-3 मिनट के लिए इसके साथ इसे भून लेंगे अच्छे से। मटन भून चुका है, अब हम इसमें सारे अपने सूखे मसाले डाल देते हैं। देखिए हमने अपने सारे सूखे मसाले यहाँ डाल दिए हैं। देखिए मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। इसके साथ इसे भून लेते हैं। इसके बाद ये जो हमने अचार का मसाला तैयार किया था ये इसमें डाल देते हैं, फिर से इसे भून लेंगे। जब तक हमारा गोश्त भून रहा है, देखिए हमने ये 4-5 लाल मिर्ची ली है साबुत, इसे काट के इसमें डाल देंगे। देखिए सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, बहुत अच्छे से भून चुके हैं। यहाँ मैंने जो दही लिया था वो मैं इसमें डाल देती हूँ, और ये जो मैंने कटे हुए टमाटर लिए थे ये भी इसमें अभी डाल देते हैं। इसके बाद इसे भून लेते हैं थोड़ी देर। देखिए अब मैं यहाँ 1.5 गिलास के करीब पानी डालकर इसके लिड लगा के बंद कर देती हूँ और 3 से 4 सीटी लगा लेती हूँ। तो यहाँ मैं पानी डाल देती हूँ। देखिए ये मैंने 1.5 गिलास के करीब पानी लिया है, इसको हम इसमें डाल देते हैं और कुकर में 3 से 4 सीटी लगा लेंगे। देखिए जब तक हमारा गोश्त गल रहा है, यहाँ हमने 4-5 हरी मिर्चों को लंबा काट लिया है। अब हमने ये आधा नींबू लिया है, इसके रस में इसको डुबो के रखेंगे, इससे इसका तीखापन कम हो जाता है। अब हम इसको बनने के बाद में, जब हमारा गोश्त तैयार हो जाएगा उसके बाद में हम इसको लगा देंगे और दम पे लगाएंगे इसके बाद में, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसको भिगो के रख दीजिए ताकि इसका तीखापन कम हो जाए। सीटी आ चुकी है, अब हम अपना कुकर खोल के गोश्त को चेक कर लेंगे कि गला है या नहीं गला। चलिए तो खोल लेते हैं। देखिए ये हमने अपना कुकर खोला है, इसकी एक बोटी निकाल कर हम चेक कर लेंगे। देखिए मेरा गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है। अगर आप खोलें और आपका गोश्त ना गला हो तो आप थोड़ा सा और गला लीजिए। तो अब हम इसको भून लेते हैं। देखिए हमारा गोश्त भून के तैयार हो चुका है। अब आप इसकी ग्रेवी के हिसाब से वैसे इसे गाढ़ा ही रखें, ज़्यादा पतला ना करें, लेकिन अगर आपको पतला करना है तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल दीजिए, और थोड़ी देर पकाने के बाद में बस ये सर्व करने के लिए तैयार है। तो चलिए अब हम आपको इसे सर्व करके दिखाएंगे। देखिए ये जो हमने इसमें, अब हम थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देते हैं, और ये जो हमने हरी मिर्चों को नींबू में डुबो के रखा हुआ था इससे अब हम इसको गार्निश कर देंगे। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है क्योंकि ये नींबू में डूबी हुई थी, इसका तीखापन बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो ये खाने में इसका बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। इसे हम डेकोरेट कर देते हैं इससे।
तो देखिए हमारा कितना अच्छा अचारी मटन बनके तैयार हुआ है। आप इसे बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और ये हमारा बहुत अच्छा सा अचारी मटन है। आप इसे बीफ के साथ भी बना सकते हैं, बस आपको मटन की जगह इसमें बीफ ऐड कर दीजिए और कोई भी इस प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, कोई भी चेंज नहीं है। तो ये है हमारा अचारी मटन।